नमस्ते है जी, मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। दोस्तों, मनी मैग्नेट ब्रेसलेट या वेल्थ मैग्नेट ब्रेसलेट या प्रॉस्पेरिटी मैग्नेट ब्रेसलेट, समझना है क्या है, क्या अंतर है, कैसे बनाना चाहिए, किन बारीकियों को समझा जाता है। हम हीलर्स जब आप हमसे मांगते हो तो हम किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, सबसे समझना बेटा। मनी मैग्नेट ब्रेसलेट बोलने से सिर्फ और सिर्फ मनी मतलब जीवन में धन संपत्ति को आकर्षित करने वाला ब्रेसलेट होता है पायराइट। पायराइट क्रिस्टल सफिशिएंट, पर केवल धन नहीं, हम प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी को खींचना चाहते हैं, तो उसके लिए एक पूरा का पूरा संयोजन है ब्रेसलेट में, चार अलग अलग क्रिस्टल्स का। इसमें एक और गलती होती है जो कि मैं समझाऊंगा उसके बाद। ये जो प्रॉस्पेरिटी ब्रेसलेट है जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ, वो चार पत्थरों से मिलकर बनता है, चार क्रिस्टल से मिलकर बनता है। सबसे पहला ग्रीन एवेंचुरिन, दूसरा येलो सेट्रिन, तीसरा टाइगर आई और चौथा है मेन पायराइट। इसकी अपनी एक मात्रा होती है, अगर जनरली हम देखा जाए तो 6-6 की मात्रा करते हैं, पायराइट को हम 5 करते हैं जब ब्रेसलेट बना रहे हैं तब की बात है, और एक होता है हेमेटाइट। लेकिन हेमेटाइट प्रॉस्पेरिटी ब्रेसलेट में नहीं होना चाहिए। हेमेटाइट भी अट्रैक्ट करता है बट हेमेटाइट को नहीं होना चाहिए, मैं नहीं मानता, और बहुत सारे मास्टर्स हैं और हमारे गुरुओं ने भी हमें सिखाया है। ये चारों पत्थरों के साथ एक हेमेटाइट क्या है, जब ये जो पत्थर बनाने वाले होते हैं, जो फैक्ट्रीज़ में इसका बना रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो गूगल में सर्च करते हैं कौन कौन से पत्थर प्रॉस्पेरिटी के लिए, मनी के लिए, वेल्थ के लिए होते हैं, तो उसके हिसाब से ये बना देते हैं। लेकिन बेटा बहुत बड़ी गलती है, हेमेटाइट को कभी भी प्रॉस्पेरिटी ब्रेसलेट में एक जो रखते हैं वो नहीं रखना। सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है चार का, ग्रीन एवेंचुरिन, येलो सेट्रिन, आमने सामने होगा, यानी कि बुध और गुरु। बुध और गुरु आपके दोनों ऊंचे उठते हैं ज्योतिष के अनुसार, ठीक है, इनको आमने सामने ही रखते हैं, अगल बगल में नहीं रख देंगे। इस येलो सेट्रिन हुआ तो फिर ग्रीन एवेंचुरिन नहीं, आमने सामने ही रखेंगे, है ना। और येलो सेट्रिन जो होता है मणिपुर चक्र का प्रतीक होता है, मणिपुर चक्र की ऊर्जा को उठाता है। अब आप समझेंगे, जैसे कि मैंने कई बार अपने वीडियो में समझाया है कि मणिपूरक जो चक्र होता है, सोलर प्लेक्सस जो होता है, वो आपके सामाजिक आर्थिक जो समृद्धि होती है जीवन में, जो बरकत होती है, जो मान सम्मान वैभव होता है, उसे खींचता है, उसे आकर्षित करता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो येलो सेट्रिन जो है आपके मणिपूरक चक्र को भी उठाता है। तो अब आप ज्योतिष के अनुसार भी समझ गए और चक्रों के अनुसार भी समझ गए, चक्रों का भी ग्रहों से सीधा संबंध है बेटा, समझने वाली बात है। अब आते हैं ग्रीन एवेंचुरिन, हृदय चक्र ज़रूरी है, समझ में आ गया, मतलब कि जब आपका हृदय चक्र, आप भावनात्मक रूप से किसी चीज़ से जुड़ते हो, समृद्धि से जुड़ते हो, तब आप सुख को प्राप्त करते हो, सुख को प्राप्त होते हो। तो सिर्फ धन को आकर्षित नहीं करना, असल में हमें सुख समृद्धि शांति, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ, तो ये जो वेल्थ ब्रेसलेट है, समृद्धि ब्रेसलेट है, ये असल में सुख समृद्धि और शांति तीनों को आकर्षित करता है। अब आ गया क्या टाइगर आई, टाइगर आई आपको देता है स्ट्रेंथ, बल, सामर्थ्य, और इविल आई से बचाता है, नज़रों से बचाता है, आपको विल पावर देता है, ज़बरदस्त शक्ति देता है, मेंटल स्टेबिलिटी देता है, डिप्रेशन, एंशसनेस, एंजाइटी, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करके रखता है टाइगर आई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक प्रॉस्पेरिटी ब्रेसलेट में। तो अब समझना, अब इसके बाद चौथा क्या आएगा, पायराइट। पायराइट के बारे में हम सब जानते हैं, पायराइट धन को आकर्षित करता है, सीधा सीधा पैसा, कैसा भी हो, ऐसा हो, वैसा हो, जैसा भी हो, पैसा, सीधा सीधा पैसा, पैसा को आकर्षित करता है, मतलब वो कैसा भी हो वो पैसा आपके पास आएगा। तो पायराइट ब्रेसलेट सीधे सीधे पैसों को आकर्षित करता है, तो आप पायराइट, बिल्कुल सीधा पायराइट ब्रेसलेट पहन सकते हैं, सीधे सीधे पैसों को आकर्षित करता है। आप अगर एक ध्यानी पुरुष हैं, आप ध्यान रखते हैं, अपने अपने विल पावर पे रहते हैं, अपने अपने संस्कारों में बने रहते हैं, तो पैसा अच्छे तरीके से ही आएगा आपके पास पायराइट की वजह से। पायराइट आप जो खींच रहे हैं, पायराइट से आप जो धन खींच रहे हैं, वो पैसा अच्छे तरीके से आएगा, क्योंकि आपके में संस्कार हैं,
लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपके मन में डर है, आप उस चीज़ को बांधे नहीं रखना नहीं चाहते हैं, तो आप इन चारों पत्थरों के कॉम्बिनेशन को पहनो, ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, मेल्स क्या होते हैं? मेल्स को चार अतरंगे, चार अलग अलग कलर के ब्रेसलेट पहनने में मज़ा नहीं आता, तो आप पैरेट, सीधे सीधे पैरेट पहन सकते हो, लेकिन साथ में अपने, तो अगर खुद पैरेट पहन रहे हो तो अपनी किसी महिला को, माँ हो गई, आपकी सगी बहन हो गई, आपकी पत्नी हो गई, आपकी सोलमेट हो गई, सोलमेट मतलब जिसे भी आप अपना सोलमेट मानते हो, उन्हें आप पहना के रखो, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके थ्रू आपके पास वो सारी चीज़ें आएंगी। तो ये कुछ बातें हैं जो समझने वाली हैं। अब समझना बेटा, हेमेटाइट क्यों नहीं रखते? हेमेटाइट भी प्रॉस्पेरिटी को ही खींचता है, ये सेल्फ लिमिटेशन को रिमूव करता है और एडिक्शन को भी रिमूव, एडिक्शन को हटाता है, मतलब किसी भी तरह का एडिक्शन है उससे दूर करता है। तो जैसे नशे में हो या किसी भी प्रकार के चीज़ों में लिप्त हो, किसी भी चीज़ में आप घुसे हुए हो, आप ध्यान लगा रहे हो, फोकस्ड हो, तो आपको जैसे वो नशे से आपको बाहर निकाल देता है, वैसे ही आपको एडिक्शन से बाहर निकाल देता है, वैसे ही आपके फोकस से भी आपको बाहर निकाल देता है। हेमेटाइटिस प्रॉब्लम, ये कहने का मतलब, अगर आप किसी तरह के चीज़ों से आप बाहर निकलना चाहते हो तो हेमेटाइट पहनो, वो भी बहुत अच्छा चीज़ है, वो किसी और चीज़ के लिए काम आ रहा है, लेकिन सेल्फ लिमिटेशन को भी ख़त्म करता है और आपको आगे बढ़ने में ये करता है, किसी चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ने में, मतलब कि कोई किसी किसी ख़राब रिश्ते में हो, आप छोड़ के आगे बढ़ना है, किसी चीज़ से डिप्रेशन से गुजर रहे हो, छोड़ के आगे बढ़ना है, तो इस मामले में आपको हेमेटाइट काम करता है। तो हेमेटाइट कहीं भी मनी को आकर्षित करने के लिए, वेल्थ को आकर्षित करने के लिए नहीं है, बल्कि पुरानी चीज़ों से निकल के बाहर आगे जाने के लिए है। तो मुद्दा ये है कि समझने वाली बात है कि चार ये पत्थरों को हम ऐड किए हुए हैं और उसमें अगर हेमेटाइट है तो आप फोकस हो रहे हो किसी चीज़ से, और एक तरफ आप चार पत्थरों से अपने आप को मनी की तरफ फोकस करते हो और हेमेटाइट के थ्रू उसी फोकस से बाहर निकालते हो। देखिए, विरोधाभास है ना, विरोधाभास है, इसलिए हेमेटाइट का प्रयोग इस वेल्थ ब्रेसलेट में नहीं होना चाहिए। वो गूगल में देख करके बहुत गलती कर देते हैं, लगा देते हैं, और बहुत सारे लोग ये पहन रहे हैं और उनको रिजल्ट नहीं है या बहुत कम रिजल्ट है। एक पत्थर और बाकी 22 पत्थर में फ़र्क होता है ना। तो अब समझना, ब्रेसलेट में कितने पत्थर होने चाहिए? 22, 23 या रेयरली 24? रेयरली 24 नहीं होना चाहिए, रेयरली। हालांकि 24 4+2 6 होता है, शुक्र का अंक होता है जो कि प्रॉस्पेरिटी को खींचता है, पर यहाँ पे शुक्र के नंबर को नहीं लाते हम, यहाँ पे मैक्सिमम 23 रखते हैं जो कि 5 बनता है, या तो 22 रखते हैं, किसी किसी केस में 22, किसी किसी केस में 23। 23 सबसे गुड है, सबसे गुड। क्यों? न्यूमरोलॉजिकली हालांकि 6 शुक्र को आकर्षित करता, खींचता है, लेकिन यहाँ पे हम शुक्र को नहीं खींच रहे हैं, नंबर 5 को ही बुला रहे हैं। 5 हम सबसे ज़्यादा ये करते हैं, होता है मरकरी बुध, मतलब कि हम एक्चुअली धन को सीधे ना बुला के धन की बुद्धिमता को बुलाना पसंद करते हैं, मतलब कि बुद्धिमता बनी रहे, कि क्रिस्टल अगर निकल भी गया, भूल भी गए, तो भी वो बुद्धिमता बनी रहे। बहुत रेयर केसेस में 24 करते हैं, वो जो मास्टर हैं, जो गुरु हैं, वो जानते हैं कि किसने उनसे क्या मांगा है। जैसे कि आप मुझसे कुछ मांगे हैं, आप चाहते हैं कि आपको वो चीज़ मिले, तो आपको समझते हुए जनरली, अब खैर तो पहले तो हम ऐसे ही समझ जाते थे, लेकिन अब क्या है, बहुत ज़्यादा लोगों के ऑर्डर्स होते हैं, तो अब मैं क्या करता हूँ, डेट ऑफ बर्थ पूछ लेता हूँ, डेट ऑफ बर्थ, नेम, मदर्स नेम, ये पता कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग 22 होगा, 23 होगा या 24 होगा, ये हम समझ लेते हैं। तो 22, 23 या 24, बहुत रेयर 22 या बहुत रेयर 24 होता है, हमेशा 23 की मात्रा रखते हैं, जिसमें से जनरली पायराइट को 5 करते हैं या फिर टाइगर आई को 5 करते हैं। तो ये चीज़ अपने हाथ से करने का है, और एक एक पत्थरों को देखना होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आया और भेज दिया, नहीं ऐसा नहीं है, एक एक पत्थर को चेक करते हैं। मैं जब फाइनल चेक, लास्ट में जब मैं खुद चेक करता हूँ, किसी को भी जब वो, क्योंकि किसी के लिए उसके विश्वास, उसकी आस्था, उसके जीवन का सवाल है, उसके बहुत लंबे साल भर का सवाल, क्योंकि एक क्रिस्टल तेरे साल भर चलता है ऊर्जा। बेटा क्रिस्टल्स में ना अपनी कोई ऊर्जा होती नहीं है, समझना, क्रिस्टल्स में एक बैटरी की तरह होते हैं, वो उस तरह की ऊर्जा को धारण कर पाते हैं, जैसे कि पायराइट धन वाली ऊर्जा को धारण कर पाता है, तो उसे चार्ज करते रहना होता है। तो जब
कोई गुरु, कोई मास्टर, कोई क्रिस्टल का जो एक्सपर्ट होता है वो उसे चार्ज करके देता है, तो वो आपके साथ बहुत लंबे समय तक उसकी ऊर्जा बनी रहती है। लेकिन आपको फुल मून और ब्लड मून हो गया, न्यू मून हो गया, अमावस्या पूर्णिमा की बात कर रहा हूँ, ऐसे शुभ दिनों में आकार सब चांद चंद्रमा की रोशनी में उसे चार्ज करना होता है। और कभी कभी हाथों में रखकर खुद भी ऐसे कुछ मंत्रों का जाप करना होता है, जो जैसे लक्ष्मी माता का मंत्र हो गया, कुबेर जी का मंत्र हो गया, या कुछ प्रार्थना करनी होती है जिससे वो आपकी ऊर्जा उसमें धारण हो जाती है। तो ये कुछ क्रिस्टल्स के बारे में जानकारी थी जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है कि प्रॉस्पेरिटी ब्रेसलेट क्या होता है, कैसे होता है, इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। और हेमेटाइट बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है, गलती नहीं करना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्रिस्टल्स को धारण करना। ऐसी ही यूं ही कहीं से भी उठा के पहन मत लेना, और ले लिया है तो उसकी सर्टिफिकेट पे तो भरोसा करना ही नहीं, फिर सर्टिफिकेट यूं ही कॉपी बन जाते हैं, यूं ही आ जाते हैं। क्रिस्टल बेटा देखो क्या होता है, क्रिस्टल ओरिजिनल और ख़राब जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, नकली जैसा कुछ होता है, वो बहुत सस्ती चीज़ें हैं जो कि उसको निकालने का, उसको खुदाई करके निकालने का ही खर्च है, समझ लो, आप तक पहुंचने का। क्रिस्टल की क्वालिटी मतलब कि उसकी घिसाई कैसी है, उसमें छेद कैसा हुआ है, और उसमें अगर कुछ कहीं उससे वो भंग तो नहीं हो, क्योंकि क्रैक्स हर क्रिस्टल में ना फाइन लाइन्स दिखते हैं, वो फाइन लाइन्स में कोई दिक्कत नहीं, वो क्रैक कहीं बड़ा तो नहीं, वो कहीं वो जर्क तो नहीं, उस चीज़ को सिर्फ ना जो पुराने मास्टर्स होते हैं जो उस क्रिस्टल्स को बहुत बार देख चुके हैं, समझ चुके हैं, जान चुके हैं, तो जैसे हम लोग बहुत सारे क्रिस्टल्स के बीच में रह चुके हैं, देख चुके हैं, बनते हुए देख चुके हैं, तो हमको पता होता है कि कौन सा कितना सही है, तो कौन सा कितना टूटा है या नहीं, या भंग हुआ है या नहीं हुआ है, ओके है, या फिर उसको सिर्फ घिस के बराबर कर दिया है, कि इन चीज़ों को बहुत ध्यान रखना होता है। तो क्रिस्टल्स, ज़्यादातर क्रिस्टल्स जो आपको ऐसे ही ऑनलाइन भी मिल जाएंगे तो वो ओके ही होते हैं, नकली होने की संभावना बहुत कम होती है। हालांकि कांच में कलर करके भी क्रिस्टल्स आजकल बना दिए जा रहे हैं, जो कि बहुत है, क्योंकि तो क्या होता है, कांच बनाना कोई बड़ी बात नहीं, कांच में रंग मिलाया और वो हरा हो गया, वो पीला हो गया, वो नारंगी हो गया, तो नकली हो सकता है, तो उस चीज़ को समझना, सर्टिफिकेट पे भरोसा तो करना ही मत जो उसमें दिया होता है, मैं नहीं मानता। तो क्रिस्टल्स की ये बहुत गहरी जानकारी थी जो आपको समझनी चाहिए थी, आशा करता हूँ ये जानकारी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आने वाले अध्यायों में बहुत कुछ सीखेंगे, जानेंगे, तब तक के लिए नमस्ते जी।